Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. I hope you all are doing fine and you have read by the title what today's video is going to be about and I am very very excited for this video. क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ वन ब्रांड ट्यूटोरियल विद मेबलिन तो मेबलिन एक ऐसा ब्रांड है जो बहुत ही अफोर्डेबल uh, रेंज में काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स देता है एंड एज फार एज आई रिमेम्बर जब से मैंने अपनी मेकअप जर्नी स्टार्ट की है ऑलमोस्ट एवरी प्रोडक्ट इन एवरी कैटेगरी मेरे सारे ही प्रोडक्ट्स इनिशियली मेबिलीन के ही रहे हैं सो दिस इज द मेकअप लुक दैट आर क्रिएटेड विद ऑल प्रोडक्ट्स मेबिलीन तो जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूँगी इस वीडियो में सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हैं और मैं प्राइजेज इधर या इधर मेंशन कर दूंगी बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं अमेजिंग क्वालिटी है अगर आप जानना चाहते हो कि कौन से प्रोडक्ट्स मैं रेकमेंड करूँगी कौन से प्रोडक्ट्स नहीं और आप जानना चाहते हो कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर ब्लैबरिंग लेट्स जस्ट डाइव राइट एंड टू इट माई स्किन एंड लिप्स आर ऑल एंड प्राइम तो मेरे पास मेबिलीन का प्राइमर नहीं था आई थिंक दे हैवे कपल ऑफ प्राइमर फिटमी का तो आता है और शायद एक और प्राइमर अवेलेबल है मेबिलीन का बट आई डेंट हैव दैट तो मैंने इन साइड का प्राइमर ही यूज़ कर लिया था बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी थिंग इन दिस वीडियो विल बी फ्राम मेबिलीन इट सेल्फ तो अब मैं स्टार्ट करूंगी तो सबसे सब पहले फाउंडेशन फाउंडेशन के लिए मेरे पास मेबिलीन के दो फाउंडेशन हैं दिस वन इज़ द मेबिलीन मी एंड दिस वन इज़ द मेबिलीन सुपर स्टे फुल कवरेज फाउंडेशन नाउ ये दोनों ही फाउंडेशन बहुत बहुत अमेजिंग है बोथ आर माई फेवरेट्स ये थोड़ा सा मीडियम कवरेज है ये फुल कवरेज फाउंडेशन है तो मैं यूजुअली ये प्रेफर करती हूँ बट इफ़ देर इज़ सम स्पेशल ओकेजन जिसके लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा हैवी बेस रखना है तो मैं फिर सुपर स्टे फाउंडेशन यूज़ करती हूँ और ऑल्सो इसमें मेरा जो शेड है ये मेरा एग्जैक्ट शेड मैच है बट ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज करता है ये ऑक्सीडाइज नहीं होता तो आज मैं वीडियो में ये फाउंडेशन यूज़ करूँगी तो मैं इसको अपने फेस पे डॉट कर लूँगी इवनली सो दिस इज़ द फर्स्ट फाउंडशन दैट आई एब बॉट एंड आई स्टिल लव इट ये मेरी सेकेंड बॉटल है और बहुत ही अमेजिंग फाउंडेशन है अभी मैं इसे ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ तो मैंने ब्रश की हेल्प से फाउंडेशन ब्लेंड कर लिया एंड यू कैन सी ये कितनी ज़्यादा ईजिली ब्लेंड हो गया है बहुत ही अमेजिंग फाउंडेशन है इसकी कवरेज भी डिसेंट है इट गिवज्स ए मीडियम कवरेज एंड आई थिंक इट इज़ द ओ जी फाउंडेशन मुझे नहीं लगता कि इफ़ यू इन टू मेकअप तो आपने फिटमी फाउंडेशन नहीं ट्राई किया होगा ये फाउंडेशन आई गे सब ने ट्राई किया हुआ है इनफैक्ट एवरी डे बेसिस पर अगर मेरा चूज़ करने का भी मन नहीं कर रहा होता है कि मैं कौन सा फ़ाउंडेशन यूज़ करूँ तो आई जस्ट पिक दिस वन आप आई एब्सिल्यूटली लव दिस फाउंडेशन तो इफ़ यू आर अ बिगिनर इफ़ यू वॉन्ट टू गेट स्टार्ट विद मेकअप और इन फैक्ट अगर आप ऑलरेडी मेकअप करते भी हो तब भी आई वुड रिकमेंड यू टू यूज़ दिस फाउंडेशन यू गन लव दिस फाउंडेशन बिगिनर्स के लिए तो परफेक्ट फाउंडेशन है आप कंसीलर के लिए मेरे पास मेबिलीन के दो कंसीलर हैं ये है मेबिलीन का इंस्टेंट एज रिवाइंड इरेजर कंसीलर और ये है मेबिलीन का फिटमी कंसीलर दोनों मेरे पास थर्टी हनी शेड में हैं तो ये थोड़ा अगेन मीडियम कवरेज देता है ये फुल कवरेज कंसीलर है तो लेटली आई जस्ट लव यूजिंग दिस कंसीलर और ये तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है अगेन दिस वाज द फर्स्ट कंसीलर दैट आई एवर बॉट और आई स्टिल लव यूजिंग दिस कंसीलर तो मेरे अंडर आइज़ पे डार्क सर्कल ज़्यादा नहीं है तो मैं फिटमी कंसीलर ही थोड़ा सा यूज़ कर लेती हूँ और ये मेरा ही स्किन मैच है तो ये हाईलाइटिंग उतनी नहीं देता है बट इट गिव्स मी अ अटी डिसेंट कवरेज तो मैं अपने अंडर आइज़ फिट मी यूज़ करूँगी और जो मेरे एक्ने स्कार्स हैं चीक एरिया पे थोड़े बहुत वहाँ पे मैं ये इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर यूज़ करूँगी बिकॉज इट इज़ अ वेरी फुल कवरेज कंसीलर और ये मेरे जितने भी मार्क्स हैं इन्हें अच्छे से कवर कर देता है अब इसको मैं ब्लेंड करूँगी ब्यूटी स्पंज की हेल्प से तो मेरा कंसीलर भी ब्लेंड हो गया है एंड यू कैन सी इट इज़ कवर्ड ऑल माई एक्ने मार्क्स एंड अंडर आइज़ को भी अच्छा कवरेज दिया है तो दीज द टू कंसीलर्स तो अब हम अपने बेस को सेट करेंगे अब उसके लिए मेरे पास अगेन मेबिल फिटमी रेंज के ही दो प्रोडक्ट्स हैं ये है मेबिलिन फिटमी कॉम्पैक्ट इन द शेड नेचुरल बेज और ये है मेबिल फिटमी लूज पाउडर इन द शेड मीडियम नाव दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लूज पाउडर्स मेरे पास ट्रांसलूसेंट लूज पाउडर्स और भी हैं बट टेंटेड लूज पाउडर मेरे पास सिर्फ मे बी एम फिटमे का है बिकॉज आई डोंट फील कि मुझे और किसी पाउडर की नीड है और ये बहुत ही अच्छा पाउडर है नाओ आई नो अट ऑफ पीपल डोंट प्रेफर यूजिंग टेंटिड लूज पाउडर्स क्योंकि वो फाउंडेशन के शेड को थोड़ा सा ऑल्टर कर देता है बट दिस वन बॉक्स जस्ट फाइन फॉर मी तो मैं Uh, थोड़ा सा अपने स्पंज पे ही से ले लूँगी बैक साइड से सबसे पहले मैं अपनी क्रीजिंग हटा के उसके बाद मैं इसको डैप करूँगी मैं बेक नहीं करूँगी बस लाइटली इसको ऐसे पैक कर दूंगी सो इट गिव सच अ फ्लॉलेस फिनिश टू माई अंडर आइज आई जस्ट लव हाउ दिस पाउडर सिट्स ऑन माई फेस बहुत ही ज़्यादा प्रिटी फिनिश ये देता है तो मैंने अभी सिर्फ अपनी अंडर आइज सेट की हैं बिकॉज़ वो ज़्यादा जल्दी क्रीज कर जाती है तो अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव नॉट सेट माई फेस येट बिकॉज बिफोर सेटिंग माई फ़ेस मैं अपने ब्लश के लिए लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ तो पाउडर के ऊपर लिपस्टिक नहीं यूज़ करूँगी बिकॉज इट इज़ अ क्रीम प्रोडक्ट नाओ आई मे बीली इनके फिटमी रेंज के ही ब्लश भी आते हैं बट बिकॉज आई ओन अ लॉट ऑफ ब्लश तो मैंने फिटमी का ब्लश नहीं लिया

ये एक पिंकिश ऑरेंजिश अंडरटोन है इस लिपस्टिक के तो मैं इसको एज अ क्रीम ब्लश यूज़ करूँगी और मैं इसे एक ब्रश की हेल्प से ही ब्लेंड करूँगी आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है बट पाउडर के साथ अभी ये थोड़ा टोन डाउन हो जाएगा आई विल ब्लेंड इट प्रॉपरली आई विल गो ओवर इट विद ब्लेंडर क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लश हो गया है तो मैं इसे थोड़ा सा ब्लेंड करके टोन डाउन करूँगी बदर शेड लुक्स वेरी वेरी प्रिटी एज ए ब्लश तो अब मैं अपना पूरा फेस सेट करूँगी यूजिंग द सेम लूज पाउडर तो पाउडर लगाने के बाद मेरा जो ब्लश है वो सेट भी हो गया है और थोड़ा सा टोन डाउन भी हो गया है एंड इट लुक्स एब्सल्यूटली स्टनिंग मैंने कभी पहले लिपस्टिक यूज़ नहीं किया है एज ए ब्लश आई मीन एक शायद से मैंने हाई वायरल हैक के लिए ट्राई किया था बट दैट डेंट गो वेल तो मैं लिपस्टिक यूज़ नहीं करती थी ब्लश के लिए बट आई थिंक आई एम मिसिंग आउट ऑन अ लॉर दिस लिपस्टिक एज अ ब्लश लुक्स टनिंग एंड आई एम डेफिनेटली श्योर में से आगे भी यूज़ करने वाली हूँ तो मेरा बेस मेकअप कम्प्लीट हो गया है अपार्ट फ्रॉम द हाई लाइटर हाई लाइटिंग मैं एंड में करूंगी ना मूविंग ऑन टू द आईज अब मेबी इन इनके आईब्राउ पेंसिल्स भी आती हैं आई गेस दो तीन रेंज है मे बिल इन के आईब्राउ प्रोडक्ट्स की बट माई एप्सिल्यूट फेवरेट फॉर आई ब्राउज जो कि मैं वैसे भी बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ तो अगर आपने मेरी प्रीवियस मेकअप वीडियोज़ भी देखे होंगे तो स्टार्टिंग से ही इवन जब मेरे पास आईब्रो पोमेड या आईब्रो पेंसिल नहीं थी मैं तब भी यही यूज़ करती थी अपने ब्राउज के लिए और अभी भी दिस इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट एंड दैट इज़ यूजिंग दिस ट्वेंटी फोर के न्यूज पैलेट का ये वाला शेड इट इज द परफेक्ट कूल टोन डार्क ब्राउन कलर मेरे आई ब्राउज के लिए परफेक्ट है ओके तो अगर मेरे पास ये पैलेट है तो मुझे वैसे भी किसी आई ब्राउ प्रोडक्ट की नीड नहीं पड़ती है तो नाउ आई क्विकली फिलई आई यूजिंग दिस पाउडर सी द डिफरेंस माई आई ब्राउजर डन एंड दे लुक प्रिटी डिसेंट तो अब मैं थोड़ा सा आई ब्राउ क्लीन करूँगी और अपने आईलेट्स को प्रेप करूंगी फॉर द आई शेडो तो मैं यूज कर रही हूँ मे बी इनका फिटमी अब मैं इस कंसीलर को सेट करूंगी यूजिंग द फिट मी कॉम्पैक्ट सो माई आईलेट्स आर प्रेप्ड फॉर आई शेडो तो आई शेडो के लिए मैं यूज करूंगी दिस पैलेट फ्रॉम मेबलीन बट बैक इन द डे जब आई शेडो पैलेट सर्च करते थे ना तो ये ही सबसे ऊपर आते थे इसके काफी सारे वेरियंट हैं ब्लश न्यूड्स हैं फिर आई गेस सिटी न्यूज करके भी एक पैलेट है देन वी हैव दिस ट्वेंटी फोर के गोल्ड न्यूड तो अगेन ये मेरा सबसे फर्स्ट पैलेट है इसका जो आई शेडो पैलेट है ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं है सबसे पहले तो इस पैलेट में कोई भी मैट ट्रांजिशन कलर नहीं है इसके uh, सिर्फ आई थिंक वन टू थ्री यस सिर्फ तीन ही कलर्स हैं जो कि मैट हैं और एक है ये एकदम ही ऑफ वाइट स्किन uh, टोन कलर जिसको आप एट द मैक्स यूज़ कर सकते हो अपने आईलेट्स को कंसीलर या प्राइमर को सेट करने के लिए फिर एक ये शेड है जो मैं अपनी आईब्राउ के लिए यूज़ करती हूँ बट इट इज़ टू डार्क टू बी अ ट्रांजिशन शेड देन एक ब्लैक कलर है ऑब्वियसली ब्लैक तो आप ट्रांजिशन में नहीं दोगे तो ट्रांजिशन कलर तो इसमें है ही नहीं uh, अगर आप और कोई शेड यूज़ करना चाहो तो ये जैसे फ्रॉस्ट है और बाकी जो है इनमें हल्के हल्के शर्मो पार्टिकल्स हैं तो अब इसी से काम चलाना पड़ेगा तो विल स्टार्ट विद द आई मेकअप तो मैं ट्रांजेक्शन के लिए यूज करूंगी ये लाइट ब्राउन शेड इसमें शिमर है बट अभी कुछ कर नहीं सकते हैं तो आई यूज दिस वन फॉर माय ट्रांजिशन ये शेड बहुत ही प्रिटी है बस यही है कि इसमें थोड़ा सा शिमर है बट इट लुक्स वेरी गुड अब ये जो पैलेट है ये बहुत ज्यादा पिगमेंटेड तो नहीं है बट इट इज डिसेंटली पिगमेंटेड आप इसे बिल्डअप कर सकते हो एंड प्लस uh, जो आई शेडोज़ हैं थोड़े से चौकी हैं बहुत ज़्यादा बटरी नहीं है बट स्टिल फॉर अ बिगिनर ये पैलेट काफ़ी अच्छा है क्योंकि आप इसे आसानी से ब्लेंड कर सकते हैं एंड बिकॉज़ इट इज़ नॉट वेरी वेरी पिगमेंटेड तो आप थोड़े से स्टार्ट करके बिल्डअप uh, कर सकते हो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है सी बट आई फील इस टाइम पर मार्केट में इस प्राइस uh, रेंज में और भी अच्छे पैलेट्स अवेलेबल हैं तो इट इज़ नॉट अ मस्ट बाय बट अगर आपके पास है तो ठीक है काम चल जाएगा बट आई वजेस्ट यू टू बाई दिस जैसे बाकी के प्रोडक्ट्स है दोज आर मस्ट ट्राई मे बिली इनके प्रोडक्ट्स आर मस्ट ट्राई प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल रेंज में दे आर वेरी वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बट ये आई शेडो इन पर्टूलर आई वुड नॉट रेकमेंड बाइंग दो ट्रांजेशन हो गया है अब जो आईब्राउ के लिए यूज़ किया था मैं वो वाला शेड थोड़ा सा आउटर कॉर्नर पे और क्रीज़ पे नीचे की तरफ को लगाऊंगी ताकि थोड़ा सा डेप्थ मिले तो मैंने ये क्रीज़ में अप्लाई किया है अब मैं वही प्रीवियस वाले ब्रश से इसको ब्लेंड करूँगी तो क्रीज़ भी डिफाइन हो गई है तो अब मैं थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो लूँगी और मैं अपने आउटर कॉर्नर्स को थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क कर लूँगी Uh, थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से क्रीज़ में देके हल्का सा बाहर की ही तरफ इसे स्मोक आउट करूँगी अंदर नहीं लेके जाऊँगी ज़्यादा सिमिलरली ऑन दिस साइड नाउ आई विल टेक दिस शेड ये फ्रॉस्टी पिगमेंट है और मैं इसको अब अपने लिड्स पे प्लेस करूंगी आई थिंक दिस पिगमेंट्स वर्क बेस्ट वन अप्लाइड विद फिंगर तो मैं फिंगर से ही अप्लाई कर लेती हूँ सो माई आई लुक इज़ कम्प्लीट बहुत ही ज़्यादा शिमरी शिमरी सा आई शेडो लुक क्रिएट हुआ है बट आई थिंक इट लुक्स प्रिटी जैसे कभी भी uh, कोई पार्टी के लिए भी आप इस लुक को uh, यूज़ कर सकते हो तो अच्छा लग रहा है काफ़ी प्रिटी टर्न आउट हुआ है आई डेंट एक्सपेक्ट इतना अच्छा लगेगा ये शिमर आई शेडो लुक पूरा बट बहुत अच्छा लग रहा है ट्रस्ट मी तो अब मैं अपनी लोअर लाश लाइन पे वही डार्क ब्राउन वाला शेड थोड़ा सा स्मच कर लूंगी ऑल द वे थ्रू अंदर नहीं लेके आऊंगी सिर्फ आउटडोर कॉर्नर्स पे ही रखूंगी थोड़ा सा फॉल आउट है इस आई शेडो का बट नथिंग यू कैन वर्क विद क्योंकि ऑनेस्टली ये जो आई शेडो लुक है ये काफ़ी अच्छा टर्न आउट हुआ है बेटर देन माई एक्सपेक्टेशन तो अब मैं लाइनर के लिए यूज़ करूँगी द एप्सल्यूट फेमस मे का जेल लाइनर मैं जेल लाइनर्स जनरली यूज़ नहीं करती हूँ आई यूज़ दिस एज अ काजल और या फिर अगर मैं कभी स्मोकी आई क्रिएट कर रही होती हूँ तो मैं अपने आई शेडो बेस के लिए यूज़ करती हूँ बट आज हम इसको यूज़ करेंगे एज एन आई लाइनर तो या लेट मी क्रिएट अ विंग मैं वही ब्रश यूज़ कर रही हूँ जो इस जेल लाइनर के साथ आया था अब मैं मैंने सिर्फ बाहर की तरफ विंग ड्रॉ किया है अब मैं इसको स्मच कर लूँगी I do the same on the other eye. So definitely not the best eyeliner, but uh, this is uh, the best I could do. क्योंकि first time मैंने gel liner से liner लगाने की try की है. The look is complete. I really, really like the eye shadow look, but थोड़ा uh, सा liner मुझे उतta पसंद नहीं आ रहा है. ये वाला side तो फिर भी ठीक है. ये उतना मुझे पसंद नहीं आ रहा है. But entire eye look it looks still pretty. Uh, तो मैं अपने eyelashes curl कर लूँगी. Okay. नाउ अगेन मेबिलीन मेक्स सम अमेजिंग मस्काराज बहुत ही वास्ट रेंज है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मस्काराज हैं आज जो मैं मस्कारा यूज कर रही हूँ इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स इट इज़ द मेबिलीन हाइपर कर्ल वाटर प्रूफ मस्कारा इट गिव्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल कर्ल एंड लिफ्ट टू यैश सेपरेट करता है सारे लैशेज को एंड इट गिव्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल इफेक्ट टू यैशेज I absolutely love using this mascara and it is quite affordable as well, like all other Maybelline products obviously. And see the difference. It just opens up your eyes so beautifully. I absolutely love using this mascara. तो मैंने अपनी दोनों आँख की दोनों लाशेस कोट कर लिए मस्कारा से. I'm just doing one coat of mascara. अब आप चाहो तो आप इस आईलॉक को लेवल अप कर सकते हो. आप फॉलसीज यूज कर सकते हो नीचे प्रॉपर आप काजल से अपनी वॉटर लाइन डिफाइन कर सकते हो और आप इसी आई शेडो लुक को टोन डाउन कर सकते हैं आई लाइनर में विंग स्किप कर सकते हैं और जो अंदर मैंने शिमर लगाया है उसकी जगह आप कोई भी एक लाइट सा मैट कलर यूज कर सकते हैं लेकिन अगर आपको शिमर चाहिए थोड़ा तो आप ऐसा कोई शेड यूज कर सकते हैं ये बिल्कुल वाइट है इसमें बहुत ही लाइट शिमर पार्टिकल्स है आई शो यू लाइक समथिंग लाइक दिस तो इससे आपका आई शाडो लुक थोड़ा सा टोन डाउन हो जाएगा तो आई थिंक द आई मेकअप ओवरऑल लुक्स वेरी वेरी प्रिटी वॉट डू यू गाइस से टेल मी इन द कॉमेंट्स बॉक्स बिलो अब uh, मेरे ख्याल से लास्ट ही स्टेप रह गया है वो है लिपस्टिक okay. so, तो लिपस्टिक के लिए मेरे पास uh, ये चार लिपस्टिक्स हैं एंड आई एम रियली कन्फ्यूज बिटवीन दीज टू शेड्स दीज टू आर माई फेवरेट फेवरेट शेड्स ये है न्यूड नोन और ये है टच ऑफ स्पाइस ये पिंकिश न्यूड है ये ब्राउनिश न्यूड है आई थिंक आई थिंक आज के लुक के साथ ये ज़्यादा बेटर जाएगा तो मैं आज जो लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ इट इज़ इन द शेड सिक्स फिफ्टी सेवन न्यूड न्स दिस इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट लिपस्टिक मतलब आई थिंक मैंने ये पहले भी वीडियोज़ में काफ़ी बार बोला है एंड आई यूज़ दिस लिपस्टिक अ लॉट लॉट दिस इज़ द परफेक्ट न्यूड शेड

and it is absolutely pretty and it is a blinding आप इसको build up भी कर सकते हो बहुत ही बहुत ही pretty highlighter है ये तो मैं आज इसी को use करूँगी fan brush की help से मैं हल्का it is such a stunning highlighter बहुत ही pretty highlighter है आप इसको और build up भी कर सकते हो इट इज़ एब्सिल्यूटली स्टनिंग और ये बहुत ही अफोर्डेबल हाईलाइटर है फॉर द हाई लाइट दैट इट गिवस इसका प्राइस बहुत अच्छा आई थिंक इट इज़ बेस्ट हाईलाइटर अगर आप बिगिनर हो तो यू शुड डेफिनेटली येट योर हैंड ऑन दिस हाईलाइटर द हाई लाइटिंग इज़ ऑल्सो डन एक बार मैं ब्यूटी ब्लेंडर अपने पूरे फेस पे डैप कर लूँगी जस्ट टू ब्लेंड द इंटायर थिंक टुगेदर एंड द लुक इज़ कम्प्लीट

प्लस उस अफोर्डेबल कैटेगरी में आपको बहुत ही अमेजिंग फॉर्मूलेशन मिलते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं प्लस जैसे लिपस्टिक्स में मस्काराज में दे हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट वैरायटी तो यू गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम एंड यू कैन सी ऑल द प्रोडक्ट्स हाउ दर्न आउट So, I think, yeah, if you're a beginner, you can definitely try Maybelline out. And I promise you would not regret it. The products are just amazing quality. So, if you have do one brand tutorial karu, so you tell me in the comments which other brands you would want me to try. I will definitely come up with other such videos. With this, I will end today's video. I hope you liked today's video. And if you did, Please consider hitting the like button. Drop your comments in the comment box below. Or my video ko friends and family ke share. Kero. And also, if you have not subscribed to my channel yet, please do it now. And don't forget to hit the notification bell right next to it. So that you get notified every time I upload a new video. Now I will see you super super soon in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.